नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे और वही ट्रिक्स और मैप्स की सहायता से पढ़ेंगे। और कोशिश करूंगा कि आपको आंकड़े भी और साथ में जो ज़िले हैं कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है अच्छी ट्रिक्स बनाई हैं, आपको ज़रूर याद होंगे। और राजस्थान की जनगणना का जो दोस्तों मैंने पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो कुल संख्या की गणना की जाती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं, ये आप जानते ही होंगे। 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 928। कितना है? 928। 2001 में कितना था? 921 था। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कितने की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक के राजस्थान के लिंगानुपात में, कितनी वृद्धि हुई है? तो वो ये 7 अंक की। ठीक है, ध्यान रखना कितनी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, 7 अंक की वृद्धि हुई है। और लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का देश में 21वां स्थान है। ठीक है, पहले पर तो केरल है ही लिंगानुपात के हिसाब से। तो सर्वाधिक जो है दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम, सर्वाधिक वृद्धि जो है लिंगानुपात की राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुई है। 821 था पहले 2001 के अंदर, और अब 2011 की बात करें हम तो 31 अंक बढ़कर कितना हो गया है? 852 हो गया है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है लिंगानुपात के अंदर? तो वो जैसलमेर में हुई है, पश्चिमी क्षेत्र का, जिसे आप कह लो भाई रेगिस्तान की फैक्ट्री, उसके अंदर लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आप दूसरे के बीच, जैसलमेर के बाद सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो एक और नोट कर लो, भरतपुर के अंदर हुई है, वहां पर 26 अंक की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप अगर आंकड़े लिखना चाहते हो लिख लो, पहले 854 था, फिर वो अभी 880 हो गया है। ठीक है, तो 26 अंक की वृद्धि हुई है भरतपुर के अंदर भी। दो जिले आप याद कर लेना सर्वाधिक वृद्धि के अंदर, जैसलमेर और भरतपुर। अब सर्वाधिक नुकसान या फिर सर्वाधिक लिंगानुपात कम कहाँ हुआ? तो दोस्तों डूंगरपुर के अंदर जो है पहले अपने 2001 में 1022 था। कितना था? 1022 था। यानी दो ही ऐसे जिले थे 2001 के अंदर जिनका लिंगानुपात जो था 1000 या 1000 से ज़्यादा था, तो उसके अंदर डूंगरपुर और राजसमंद थे। लेकिन अभी 2011 के अंदर जो है दोस्तों अपना एक भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो अब देखते हैं, हम पॉइंट पे आते हैं वापस। तो कितना हो गया है? पहले 1022 था, उसके स्थान पर अब दोस्तों 2011 में 994 हो गया है। ठीक है, तो कितने अंक का नुकसान हुआ है? -28। ठीक है, ध्यान रखना। और डूंगरपुर के बाद सबसे कम जो हुआ है वो हुआ है जालौर के अंदर, 12 अंक की गिरावट आई है वहाँ पर। वहाँ पर पहले 964 था 2001 में, और 2011 में जो है दोस्तों 952 हो गया है। तो सर्वाधिक वृद्धि में तो दोस्तों ध्यान रखना जैसलमेर है और भरतपुर है। ठीक है, और नुकसान वो गिरावट के अंदर की बात करेंगे हम तो डूंगरपुर है और जालौर है। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, जनगणना 2011 में एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 या इससे ऊपर नहीं है, जबकि 2001 में डूंगरपुर तथा राजसमंद का लिंगानुपात जो था वो 1000 या 1000 से ऊपर था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात जिले, लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से माध्यम से याद कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं किसका कितना है। तो अभी डूंगरपुर की हमने बताया था आपको कि 994 डूंगरपुर का लिंगानुपात। दोस्तों आपको सारे याद हो जाएंगे, लगभग आंकड़े भी मैं आपको याद करने की कोशिश करूंगा, आप डूंगरपुर को याद कर लीजिए बस। डूंगरपुर का कितना है? 994। ठीक है, ध्यान रखना कितना है? 994 डूंगरपुर का लिंगानुपात, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। सेकेंड नंबर पर राजसमंद जिसका है 990, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पाली 987, चौथे पर है प्रतापगढ़ 983, और पांचवें पर है बांसवाड़ा 980। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि जिले कैसे याद रखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो इसमें आपको ध्यान है कि डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है कितना? 994। तो आप डूंगरपुर को कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा दूर दूर लिखना, जैसे कि मैंने लिखा है डूंगरपुर को तोड़ के लिखा है। ठीक है, दो अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर थोड़ा दूर, फिर एक अक्षर दूर, और एक जो लास्ट वाला रह है इसको काट देना आप। इस डूंगरपुर से आप ये याद रखना कि हमको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले चार जिले इसी अक्षर में मिलेंगे। ठीक है, पहला तो खुद डूंगरपुर हो गया डूंग से। ठीक है, रे से आएगा हमारा राजसमंद, पै से पाली, और पै से प्रतापगढ़। ठीक है, और पांचवें पर ध्यान रखना बांसवाड़ा। आप एक इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो लिंगानुपात बढ़ा है वो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में ही बढ़ा है। तो आपको जिले भी जो नाम याद करने हैं वो दक्षिणी राजस्थान के ही ध्यान रखने हैं इस ट्रिक से। ठीक है, आपको ये तो ध्यान रहेगा भाई सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही हुआ है। तो अब दक्षिण के जिले
आपने अगर याद कर रखा है तो दोस्तों, अगर नहीं कर रखा तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान का मैप एक बार जरूर याद करें, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, हम वापस इस पर आते हैं। तो अपने डूंग से डूंगरपुर, रे से राजसमंद, पे से पाली, पे से प्रतापगढ़ और लास्ट में बांसवाड़ा आप याद कर लेना। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि जब आप पढ़ोगे तो पहले पाली आएगा या पहले प्रतापगढ़ आएगा सर तीसरे नंबर पर। पहले पर तो डूंगरपुर आ गया, दूसरे पर राजसमंद आ गया, अब तीसरे पर पाली आएगा या प्रतापगढ़। तो आप देखो, पाली खुद बोल रहा है कि पहले मैं आऊंगा। ठीक है, पाली इसमें से बढ़ने वाला पहले। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा क्योंकि पाली खुद ही बोल रहा है सर प्रतापगढ़ से पहले मैं आऊंगा। ठीक है, तो पाली आ गया तीसरे पर, चौथे पर आ गया प्रतापगढ़ और पांचवे पर आ गया बांसवाड़ा। अब यहाँ पर आते हैं हम इसके कि भाई कितना लिंगानुपात है, कैसे याद करेंगे जो आंकड़े दे रखे हैं। तो आप सिर्फ डूंगरपुर का याद रखिए 994। उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है अपना, -4 -3 -4 -3। ठीक है, इससे आपको सारे आंकड़े अपने आप निकल कर आएंगे, बिन बराते बिन जो बिन बुलाए बराते हैं आते हैं ना, उस तरीके से आंकड़े अपने आप आएंगे बिन बुलाए। ठीक है, आप सिर्फ डूंगरपुर का ध्यान रखो कि 994 -4 -3 -4 -3, तो 990, 987, 983, 990। और इधर आप एक साइड के अंदर आप जिले लिख लीजिए, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जिससे आपको ये लिंगानुपात भी याद हो जाएगा। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना आप कमेंट बॉक्स में कि कैसी है। अब बात करते हैं हम, वो तो था सर्वाधिक, अब बात करते हैं कम लिंगानुपात वाले जिले, कि राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले धौलपुर 846, उसके बाद है जैसलमेर 852, फिर है करौली 861, और फिर है 880 भरतपुर, और गंगानगर का है 887। चलिए हम जिले अब ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कृपया कोई गलत ना समझे, ठीक है, और जो भी हम माताएं और बहनें देख रही हैं वो भी बिल्कुल गलत ना समझे, और जो पुरुष हैं वो तो इस ट्रिक को बिल्कुल भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना करें। पर ये है कि इस ट्रिक से आपको ये जो जिले हैं वो कन्फर्म याद हो जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आप ध्यान रखना कि लुगाई की धुलाई ऐसे करो भाग जाए, तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आप तो ट्रिक पर ध्यान फोकस कीजिए। जब भी मैं दोस्तों लुगाई वर्ड यहाँ पर लेकर आऊँगा कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये है कि लुगाई से मतलब ये है कि लिंगानुपात की बात की जा रही है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना है। जब भी आप तो ऐसा ही है कि अगर ट्रिक भूल भी जाओ तो अगर आता है कि कम लिंगानुपात वाले जिले, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लुगाई ऐसे याद आ जाएगा, ये कीवर्ड इससे क्या अपन मैच कर देंगे। तो लुगाई की धुलाई ऐसे करो कि भाग जाए, ठीक है, तो लुगाई से तो लिंगानुपात आ गया अपने, कि हम लिंगानुपात की ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर की को आप काट दीजिए फ्रेंड्स, और धुलाई से धौलपुर आ जाएगा। अब आगे क्या, ऐसे, तो ऐसे से तो हमको कोई जिला मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे को क्या ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख देना जैसे, ऐसे को लिख दो आप जैसे, तो जैसलमेर, करो से करौली, भर से भरतपुर और गै से गंगानगर, ठीक है, ये अपने पांच जिले अपने को ऐसे याद हो जाएंगे। लुगाई की धुलाई ऐसे करो कि भाग जाए। अब यहाँ पर देखो, भाग जाए के कॉन्सेप्ट में हमें ये भी पता चल रहा है, जो भावार्थ निकल के आ रहा है वो कम होने का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि हमको कम लिंगानुपात वाले की ट्रिक है, तो इसका भावार्थ भी ऐसे निकल रहा है, ठीक है, तो इसको हमको ऐसे याद हो जाएगा। अब हम आते हैं आंकड़े पर। तो दोस्तों आपने ये वाले आंकड़े आपने कॉपी में उतार लिए होंगे, अब इसको कुछ इस तरीके से उतारो जैसा मैं कह रहा हूँ। आप लिखो 84 85 86 87 88। अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैंने 87 बोला ना, उस 87 को भी 88 ही लिखना है। 84 85 86 88 88, ठीक है, 87 बोले आप, बोलने में 87 बोल लो लेकिन लिखने में 87 को 88 ही लिखना, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपको 84 85 86 88 88 याद है, तो एग्जाम में दो ऑप्शन तो वैसे भी मेरे हिसाब से छट जाएंगे आपको, अगर ये सीरीज भी याद है तो। अभी अपन पूरे याद करेंगे, टेंशन मत लो। अब ऐसे लिखो, आपने अगर ये लिख लिए हैं ऐसे, और नहीं भी लिखा है तो आप प्लीज़ आप लिख लीजिए, जहाँ पे भी आपके हाथ है तो हाथ पर पेन के साथ लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे, दो तीन बार लिखोगे तो। 84 85 86 88 88। अब ऊपर तो आप लिखो 6, नीचे लिखो 7 सबसे लास्ट वाले में, तो क्या हो गया, ऊपर धौलपुर का तो हो गया अपने 846 और गंगानगर का हो जाएगा 887। अब क्या करो, 0 से शुरू करो, 0 1 और 2, ये लो ये सीक्वेंस बन गई, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, वापस से आते हैं, 84 85 86 88 88, एक बार वापस से आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो थोड़ा सा स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, पर अगर किसी को समझ में नहीं आया हो इसलिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। 84 85 86 88 88, पहले उतारो ऊपर 6, नीचे उतारो 7, हो गया कॉन्सेप्ट ये क्लियर। अब सीरीज 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2, ये लो हो गया अपने लिंगानुपात के आंकड़े, 846 852 861 880 887। साइड में आप जिलों लिख लो और ट्रिक लिख लो, लुगाई की धुलाई ऐसे करो भाग जाए, तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर, ठीक है, सीक्वेंस से आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
अब हम आते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है राजस्थान का। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जो राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात है वो कितना है, 928 है, ठीक है। पर अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाता है तो वो कितना है, 933 है। सामान्य लिंगानुपात में देश राजस्थान का देश में स्थान है 21वां, लेकिन अगर हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करेंगे तो देश में स्थान है 22वां, ठीक है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं तो वो है पाली, ठीक है। कितना है, 1003 है। यहाँ पर ग्रामीण का आप ध्यान रखना कॉन्सेप्ट दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे ढंग से। पाली है और न्यूनतम है धौलपुर के अंदर। इससे पहले भी अपने जो सामान्य लिंगानुपात जो है वो सबसे कम भी धौलपुर में ही है, और ग्रामीण लिंगानुपात भी जो है धौलपुर में ही कम है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले के अंदर है, पाली के अंदर है, 1003, सबसे कम धौलपुर 841। अब यहाँ पर जो सर्वाधिक वाला है उसको मैं आपको याद करा देता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दोस्तों महिलाएं होती है वो पीला जो लुगड़ा होता है, ओढ़नी होती है, अधिकतर वो ओढ़ती हैं, ठीक है। अगर नहीं भी ओढ़ती है तो आप मान लेना, एक्स भी तो मानते हैं ना अपन, अपने को याद करने से मतलब है, ठीक है। तो जो जब भी आएगी सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पर है, तो जो ग्रामीण लुगाइयाँ होती हैं, लुगाई से मैं आपकी क्या बात कर रहा हूँ, लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ग्रामीण लुगाइयाँ होती हैं वो पीली ओढ़नी ज़्यादा पहनती हैं, तो पीली से आपको ध्यान आ जाएगा भाई पाली, ठीक है। पाली का जो है ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है और कम जो आपको धौलपुर का, आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सर्वाधिक न्यूनतम और शहरी लिंगानुपात। तो कुल लिंगानुपात जो है, शहरी लिंगानुपात जो है राजस्थान का वो है 914, देश में स्थान है 15वां, ठीक है। देश में कौन सा स्थान है, 15वां है। और कुल लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात राजस्थान का वो है 914। अब देखते हैं सर्वाधिक कहाँ है, वो है टोंक के अंदर। शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, टोंक में 985, और न्यूनतम है जैसलमेर, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र जो है, तो 807 है जैसलमेर का। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो सर्वाधिक वाला मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है इससे याद करा देता हूँ। जैसे भाई ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो थी वो पीली ओढ़नी ज़्यादा पहनती है, तो आपको पता चल गया भाई ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो पाली में सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1003 है। अब शहर की जो लुगाइयाँ होती हैं उनके साथ ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, या फिर ठोका ठाकी नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे याद कर लो। तो कहाँ पे टोंक से देखो, टोंक आ जाएगा याद आपको, ठोका ठाकी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं, धाराएं लग जाती है बहुत सारी, ठीक है ना। तो शहर की जैसे आए कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कहाँ है, तो भाई शहर की लुगाइयों के साथ ठोका ठाकी नहीं करनी चाहिए, तो टोंक जिला जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितना है, 985 है, और जो न्यूनतम है शहरी लिंगानुपात वो है जैसलमेर में, ठीक है। सुख सुविधाएं कम है थोड़ी, इसीलिए तो आप ध्यान रख सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों क्विज की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम पढ़ते हैं, अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा है तो हमको याद आंसर दे पाएंगे हम। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला वाले जिलों में तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की हमारी जो ट्रिक थी वो थी दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर में से ही हमको तीन जिले, चार जिले निकालने थे। तो पहला तो खुद डूंगरपुर हो गया पहले नंबर पर, दूसरे पर हो गया राजसमंद रहसे, तीसरे पर जो है पाली, पै से पाली और पै से प्रतापगढ़ था। तो मैंने आपको बताया था पहले कौन आएगा, पहले पाली, खुद ही बोल रहा पहले मैं आऊंगा, तो पाली इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथे पर प्रतापगढ़ था और पांचवे पे बांसवाड़ा था, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वालों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात, सॉरी, राजस्थान में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में पांचवें स्थान पर कौन सा जिला है। ऑप्शंस देखते हैं हम, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर और जैसलमेर। तो न्यूनतम, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी कि लुगाई की धुलाई ऐसे करो कि भाग जाए, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो जा था अपना धौलपुर था, फिर था लुगाई की धुलाई ऐसे, तो ऐसे थे जैसलमेर था, फिर था करौली, फिर था भरतपुर और पांचवें पे था गंगानगर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, गंगानगर। आपको दोस्तों अगर ट्रिक्स याद नहीं हो तो आप वापस से एक बार देख ले वीडियो को, लिख लें, याद हो जाएगी, बहुत इजी ट्रिक है, इतनी हार्ड ट्रिक भी नहीं है। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, ये मैंने आपको 2-3 बार बोला था वीडियो के स्टार्ट में, तो आपको याद हो गया होगा। ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। तो 7 कितना था अपना, पहले 2001 में 921 था, 2011 में कितना हो गया है लिंगानुपात राजस्थान का, वो हो गया है 928, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण तथा शहरी लिंगानुपात वाले जिलों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर भी आप दे लोगे, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की मैंने बताया था आपको कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लुगाइयाँ हैं वो पीली ओढ़नी ज़्यादा पहनती हैं। तो यहाँ पर अपने देखो काम आ गया ना वो ट्रिक कि एक ही ऑप्शन है पाली पीला वाला, तो इससे हो जाएगा। और जो शहरी है तो शहर की लुगाइयों के साथ क्या टोका टाकी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं आप ऐसे याद करो, आप अपने हिसाब से भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो और बनाओ, ठीक है।
क्योंकि अपनी तरफ से बनी हुई जो है वो जल्दी याद होती हैं। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण तथा शहरी लिंगानुपात वाले जिलों को सुमेलित कीजिए। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण तथा शहरी लिंगानुपात वाले जिलों को सुमेलित कीजिए। तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि भाई लुगाई की धुलाई ऐसे करो, तो उस जो सामान्य था लिंगानुपात उसमें भी धौलपुर सबसे कम था और ग्रामीण क्षेत्र में भी धौलपुर में सबसे कम था, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, और जैसलमेर जो है सबसे सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात जो सबसे कम था वो था जैसलमेर के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा धौलपुर जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, ये था लिंगानुपात का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। अगले वीडियो जो हम साक्षरता के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।